नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड का दे रहे हो या सेंट्रल बोर्ड का दे रहे हो या आईसीएस बोर्ड का दे रहे हैं, सभी जितने भी बोर्ड का वो एग्जाम दे रहे हो, किसी भी बोर्ड का वो एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के सामने अब एक बच्चों के फ्यूचर को लेकर एक चिंता सामने आ गई है कि 10th पास बच्चा 10th पास कर चुका है, अब आगे उसका क्या किया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपका बच्चा जब 10th कर चुका है या 10th का एग्जाम देने के बाद अब उसके फ्यूचर के बारे में आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, क्योंकि यही वो समय है जब हम बच्चे के करियर के बारे में सोचें। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, मैं आपको आगे वो सब तरीके बताऊंगा, वो सब सावधानियां बताऊंगा जो आपको करनी है। बने रहे मेरे वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह चावड़ा वकील जी में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, वीडियो में पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं इस तरह के उपयोगी जानकारी के वीडियो लाता रहता हूं और आप मेरे वीडियो को देखने में अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। दोस्तों, 10th जब बच्चा 10th में आ जाता है तो पेरेंट्स के सामने एक उसके करियर को लेकर चिंताएं रहती हैं, और चिंताएं होनी वाजिब भी है क्योंकि 10th एक ऐसी क्लास होती है उसके बाद में क्या है पेरेंट्स को उसके बच्चे के करियर के बारे में सोचना पड़ता है और सभी पेरेंट्स इसके बारे में सोचते हैं। दोस्तों, 10th के बाद में हमारे पास कई तरह के ऑप्शन होते हैं, कई तरह की स्ट्रीम होती है, कोई साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है, कोई आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है। तो उसके लिए तो आपको अपने बच्चे की के का क्या कैलिबर है, बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला रहा है, उसका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, वो तो आपको खुद को ही देखना पड़ेगा। उसके बारे में तो आप बच्चे से थोड़ी राय भी ले सकते हैं और खुद भी इसके बारे में पता कर सकते हैं, या बच्चे के जो टीचर्स हैं जहाँ स्कूल में पढ़ रहा है उनसे भी आप राय ले सकते हैं कि हम इस बच्चे को आगे कौन से करियर में ले जाएं जिससे क्या है बच्चे को कोई तरह की परेशानी नहीं हो। दोस्तों, इस समय करियर चुनने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ा सा गलत फैसला बच्चे की लाइफ को आगे परेशानी में डाल सकता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को बिना पूछे या बिना जानकारी के उसको ऐसे स्ट्रीम में डाल देते हैं कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसा ना करें जिससे कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़े कि हमने बच्चे के करियर के बारे में राय नहीं ली, इस वजह से आज हमें तकलीफ आ रही है। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे मान लो आसपास के लोगों ने किसी स्ट्रीम में उसको डाला है, साइंस स्ट्रीम में डाला, तो हम भी उसको उसमें डाल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चे के बारे में पता करना है कि बच्चे की मैथ्स अच्छी है, बच्चे की साइंस अच्छी है या बच्चे की SST अच्छी है, जिस सब्जेक्ट में उसका रुझान है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को आगे जाके किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपको ये बताता हूँ। दूसरा क्या है कि आजकल वैसे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत है, बहुत सारे अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑनलाइन एजुकेशन भी मिल जाएगी। इसके अलावा ऑफलाइन विकल्प तो बहुत सारे हैं, आपको आज हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ आपको अच्छी पढ़ाई। लेकिन वहाँ पर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भीड़ को देख कर बच्चे को एडमिशन न कराएं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं तो हम लोग क्या है कि ये मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं इसका मतलब यहाँ की पढ़ाई ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ दिनों तक वहाँ डेमो क्लास लेनी है। आप जा सकते हो, वहाँ जाके पता कर सकते हो, कोचिंग सेंटर में जाके पता कर सकते हो कि भाई 10th में अगर आपको मान लो साइंस स्ट्रीम दिलानी बच्चे को तो वहाँ जाके आप पता कराओ कि वहाँ ये जो जिस सेंटर पे आपको बच्चे को डालना है वहाँ जाके आप 2-4 सप्ताह पर वहाँ जाके डेमो क्लास दिलाओ। डेमो क्लास अगर आप दिलाओगे तो बच्चे को भी पता लग जाएगा कि हाँ, मैं जिस सब्जेक्ट में आगे करियर बनाना चाहता हूँ वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है और पूरी तरह आ रहा है, तब तो आप उसको कंटिन्यू रखें, अदरवाइज उसको चेंज करवाते हैं। ये सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर हम बिना देखे एडमिशन करवा देते हैं तो उसके बाद बच्चा
पूरे साल तो वहां जाएगा ही जाएगा, ना बीच में हम छुड़वा सकते हैं ना बीच में कहीं और ले जा सकते हैं, क्योंकि हम भारी भरकम फीस होती है उसको भरने के बाद में हमारा ये छोड़ने का मन भी नहीं करेगा, दूसरा हमें ये लगेगा भी नहीं, हम ये सोचे चलो एक साल तो देख लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि ऐसी गलती अगर आप करते हो तो इलेवंथ एक ऐसा ऐसी है उसमें अगर आपने गलती करी तो वो गलती फिर बहुत भारी पड़ती है। तो इसलिए बच्चे के कैरियर का चुनाव करने से पहले जिस भी इंस्टीट्यूट में आप डालें उस इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी, वहाँ की फैकल्टी क्या है उस फैकल्टी के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही बच्चे का एडमिशन कराएं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसको अगर आपने देख लिया तो फिर आपको परेशानी नहीं आएगी, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। और जैसे ही बच्चा आगे ट्वेल्थ में जाएगा तो इलेवंथ का कोर्स उसका कंप्लीट नहीं होगा, और इलेवंथ का कोर्स अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उसको ट्वेल्थ में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, आगे के करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए ये ज़्यादा दूसरा क्या होता है, आप बच्चे के बारे में ये भी पता करें कि बच्चा बराबर आपका जिस इंस्टीट्यूट में आप डाल रहे हो तो वहाँ बच्चा बराबर पहुँचना ज़रूरी है। बच्चा बराबर क्या है, मतलब कि उसकी कंटिन्यूटी रहनी जरूरी है, ये नहीं है कि बच्चा एक दिन जा रहा है, तीन दिन नहीं जा रहा है, दो दिन जा रहा है, चार दिन नहीं जा रहा है, बच्चा वहाँ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, बच्चा क्लास को अटेंड कर रहा है नहीं, ये जानकारी आपको रखनी जरूरी है। क्योंकि अगर ये जानकारी आप नहीं रखोगे तो आपके बच्चे के कैरियर बनाने में आपको बहुत परेशानी आएगी। आपको आप तो ये सोच रहे हो कि बच्चा ट्यूशन जा रहा है या इंस्टीट्यूट जा रहा है, बच्चा वहाँ पहुँच ही नहीं रहा, तो इसके लिए आपको वहाँ पे बच्चे की मॉनिटरिंग बराबर करनी है कि बच्चा बराबर जा रहा है, बच्चा जब जाए तो पीछे से आपको वाच करना है कि एक बार दो बार पांच बार अगर आप वाच करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ बच्चा बराबर जा रहा है। बच्चे को बिना बताए आप पीछे से जाइए, जाके उसे पता कीजिए कि बच्चा बराबर वहाँ पे जा रहा है या नहीं है, ये सारी। इसके अलावा जब बच्चा इंस्टीट्यूट से वापस आए तो इंस्टीट्यूट से आने के बाद में देखें कि वो बच्चा इंस्टीट्यूट में जो उसको पढ़ाया जा रहा है उसको बच्चा रिवीजन कर रहा है या नहीं, देख रहा है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि इंस्टीट्यूट से बच्चा आया, आकर किताबें रखी और वो मोबाइल में या टीवी में या कंप्यूटर में लग गया, ऐसा होगा तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। आपको बराबर मॉनिटरिंग करनी होगी कि बच्चा स्कूल से कोचिंग सेंटर से आया है, आने के बाद में इंस्टीट्यूट से वापस आने के बाद में उसने उसको वापस रिवीजन किया है। अगर ये कंटिन्यूटी बराबर रहेगी तो आपके बच्चे को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। चौथी बात कि बराबर टेस्ट दिलवाएं। अगर इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो रहे हैं तो ये कोशिश करें कि बच्चे को बराबर टेस्ट दिया जाए, बराबर बच्चा टेस्ट दे, बराबर बच्चा टेस्ट देगा तो बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता रहेगा, बच्चे को उसकी कमियों के बारे में पता रहेगा। टेस्ट देने के बाद में अगर बच्चे का कोई डाउट है तो उस डाउट को जरूर क्लियर करवाए, अगर डाउट को आपने क्लियर करवा दिया तो बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बराबर बच्चा टेस्ट देगा तो बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा, वो अपनी कमजोरियों को जानेगा, और अगर कमजोरियों को जानेगा तो फिर उसको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। स्ट्रीम कोई सी भी हो, आप मान लो सपोज को कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हो तो आपका मेन मकसद आगे सीए बनने का है तो उसको देखिए। आपको अगर मान लो आईआईटी की तरफ जाना है तो आप वो इंस्टीट्यूट देखिए, अगर आपको मेडिकल कैन की तरफ जाना है तो उस तरह का इंस्टीट्यूट देखिए, वो आपका खुद का है कि आपको किस तरह के फील्ड में बच्चे को डालना है। जिस फील्ड में भी डालें तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी है कि एक तो क्या क्या मुख्य तो क्या है, एक तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट का चयन देख कर करें, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप बच्चे को कोचिंग दिलवा रहे हैं उसकी जानकारी प्रॉपर लें, उसके बाद ही वहाँ दाखिला कराएं। दूसरा वो मॉनिटरिंग करें कि बच्चा इंस्टीट्यूट में बराबर जा रहा है या नहीं। तीसरा, बच्चा जब इंस्टीट्यूट से वापस आ रहा है तो आने के बाद में वो वापस उसकी रिवीजन कर रहा है नहीं, अगर वो नहीं करेगा तो बैकलॉग आ जाएगा। चौथा, बच्चा जो है टेस्ट बराबर दे रहा है कि नहीं, अगर मान लो इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो रहे हैं तो वो टेस्ट बराबर दे, तो ये इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके बच्चे के कैरियर को बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और बच्चा धड़ल्ले से अपनी जिस भी लाइन में वो जाना चाहता है वो चला जाएगा। तो दोस्तों कुछ ये सावधानी आपको रखनी है, अगर ये सावधानी आप रखोगे तो आप अपने बच्चे के कैरियर को बहुत ईजी, बहुत ही आराम से उस लाइन में
ले जा सकते हो और एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है, एक अच्छा फैकल्टी कॉलेज उसको मिल सकता, फैकल्टी कॉलेज भी मिल सकता है, एक अच्छी इंस्टीट्यूट भी मिल सकता है, एक अच्छा रेपुटेटेड मेडिकल लाइन में तो मैं अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अगर आईआईटी लाइन में है तो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल सकता है, और अगर अदर किसी लाइन में है तो वो उस फील्ड में भी जा सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा वॉच करो, थोड़ी सी सावधानी रखोगे, थोड़े सा अगर मेहनत करोगे तो आपके बच्चे का करियर बनने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।